students, we're going to start with a new topic today. We're going to discuss our Earth in the solar system. So we will discuss about what is Earth. Basically, you know what is Earth, you are living in there. So basically, we will discuss about the basics of the space, outer space, okay? So let's begin. So first, you will start with the basics. Otherwise, you won't understand the concept, okay? जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पहले बेसिक से शुरू करते हैं, फिर जाके हम लोग उसका बेसिकली जो ब्रीफ आइडिया हम कभी जान पाते हैं। तो बेसिक से क्या शुरू करते हैं, जैसे कि आप लोग सब देखते हैं कि आसमान में हम लोग जैसे दिन हुई सूरज निकल गया, फिर रात में देखिए मून निकल गया, मून में रात में आपको तरबूज क्या कहते हैं चमकते हुए चीज भी दिखती है, उसको हम बेसिकली स्टार्स कहते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसी भी वास्ट चीजें होती हैं जो कि हमको अपनी मतलब आईज की रोशनी से दिखाई नहीं देती, बेसिकली प्लैनेट्स हो गए, ओजोन लेयर होगी, तो ये सब बेसिकली हम अभी डिस्कस करेंगे और हम जानेंगे, ठीक है। तो हम पहला डिस्कस करेंगे कि हेवनली बॉडीज क्या होती है। बेसिकली हेवनली बॉडीज कुछ नहीं, जो सारे ऑब्जेक्ट जो स्काई आसमान में जो सारे ऑब्जेक्ट जो पाए जाते हैं उसको हम हेवनली बॉडीज या सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। बेसिकली आसमान में जो भी सारी चीजें पाई जाती है, जैसे कोई भी जैसे स्टार्स ले लीजिए आप, एस्टेरॉइड्स ले लीजिए, प्लैनेट्स ले लीजिए, सन ले लीजिए, ठीक है, गैलेक्सी ले लीजिए, तो वो सब हमारा क्या कहते हैं, हम सेलेस्टियल या हेवनली बॉडीज उसको कहते हैं, ठीक है। अब हम जानेंगे कि तो दोज बॉडीज, ठीक है, जो जैसे जो बॉडीज ऑब्जेक्ट स्काई में रहते हैं उन सारी बॉडी ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, हेवनली बॉडीज, ठीक है। और जो हेवनली बॉडीज जहां पे रहती हैं उस प्लेस को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्स कहते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्स में क्या चीज रहती है, यूनिवर्स में हेवनली बॉडीज रहती हैं, ठीक है, समझ गए। हेवनली मतलब जो सारी चीजें जो आसमान में रहती हैं, ठीक है, जैसे सन हो गए, मून हो गए और प्लैनेट हो गए, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, ठीक है, थर्ड के मतलब जो अर्थ है पृथ्वी है वो तीसरी प्लैनेट है सन के करीब, ठीक है, तो पहले करीब। और द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है, जैसे थर्ड हो गया मार्स, फिफ्थ लार्जेस्ट हो गया वीनस, बेसिकली जैसे जुपिटर, बेसिकली सन जो है सन के सबसे करीब जो प्लैनेट है वो है मरकरी, ठीक है, तो सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट उसको कहा जाता है, ठीक है। तो अब हम जानेंगे कि व्हाट यू कॉल एज स्टार्स, स्टार्स किसे कहते हैं, ठीक है। बेसिकली हम लोगों ने स्टार्स सुना होगा कि जो आसमान में रहते हैं, ठीक है, स्टार्स तारे होते हैं, तो अब हम उसके तारों के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम स्टार्स के बारे में, सो बेसिकली वी विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक आफ्टर इंट्रोडक्शन, दैट इज स्टार्स, बेसिकली सितारे, ठीक है, सितारे, हम लोग सितारों के बारे में बात पढ़ेंगे। तो सितारे बेसिकली स्टार्स इज अ बिगर मतलब इज अ बिग सेलेस्टियल बॉडी, सेलेस्टियल बॉडी जैसे मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट इन द स्काई, तो सबसे बड़ी बॉडी ये पाई जाती है एटमोसफेयर में, एटमोसफेयर क्या मतलब स्काई में, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्टार्स कहते हैं, ठीक है। स्टार्स जो होती है वो बर्निंग गैसेस से बनी होती है, इनका मटेरियल क्या होता है, ये बहुत ही जलते हुए गैसेस से बने होती हैं, और ये जो मेजर्ड होते हैं स्टार्स को हम अगर मेजर करना चाहें, इनका नापना चाहें मतलब ये डिस्टेंस, तो ये लाइट ईयर्स में मेजर करा जाता है, ठीक है। बेसिकली लाइट ईयर्स की बात अगर हमने कर दी, तो लाइट की स्पीड से ये स्टार्स की स्टार्स ट्रैवल करते हैं। लाइट की स्पीड क्या है, बेसिकली 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड स्पीड है लाइट की, ठीक है, तो उसके कारण तो द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन वन ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर, ठीक है। तो जो डिस्टेंस जो लाइट कवर करती है एक साल में उसे हम लाइट ईयर कहते हैं, ठीक है, समझिए इतना आप लोग कि बर्निंग गैसेस से स्टार्स बने होते हैं, इनको मेजर करा जाता है लाइट ईयर में, और लाइट की मेजर क्या होती है, क्या कहते हैं, लाइट ईयर होता है, 300,000 किलोमीटर पर सेकंड की इसकी रफ्तार होती है, समझ गए आप लोग। तो बेसिकली जो सनलाइट होती है वो अपनी जगह से अर्थ पे आने के लिए केवल 8 मिनट्स लेती है, ठीक है, टू रीच अर्थ, ठीक है। और बेसिकली और भी तरीके के देखिए स्टार्स का अगर आप एग्जांपल देखें तो सन, सन इज अ स्टार बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स इट्स लाइट टुवर्ड्स अर्थ, समझ गए आप लोग। तो सन इज अ बिगेस्ट स्टार, सन इज नॉट अ प्लैनेट, ये स्टार है, ठीक है, ये सितारा है, क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट करता है, और इसकी लाइट को आने में कितने मिनट लगते हैं, 8 मिनट लगते हैं, ठीक है, समझ गए आप लोग। तो आप लोग को पता ही होगा देयर आर मिलियंस ऑफ स्टार्स इन द स्काई और इन द आउटर स्पेस, बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं, अलग अलग तरीके के स्टार हैं, अलग अलग पैटर्न में, अलग अलग एनिमल के स्टाइल में, उसे हम जो कि जो पैटर्न्स और जो अलग अलग स्टाइल में उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिलेशंस कहते हैं, ठीक है। बेसिकली ये वर्ड याद रखिएगा, ये आगे आपको और भी ज्यादा बेसिक्स में ये रहेंगे, कॉन्स्टिलेशन, ठीक है। कॉन्स्टिलेशन क्या होता है, बेसिकली इट इज नथिंग, इट इज अ स्टार विद इज कॉन्स्टिट्यूटेड अमंग द पैटर्न्स, जो ये पैटर्न में रहते हैं, लाइक एनिमल के शेप में रहते हैं, जैसे लियो हो गया, ठीक है, बेसिकली ये अलग अलग आसमान में ये एनिमल बनाते हैं, अलग अलग फिगर बनाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिलेशन, ओके। तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे
कि बेसिकली अभी हम यही टॉपिक देखेंगे, इसमें हम बताएंगे स्टार्स जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा लार्ज क्लस्टर्स ऑफ ग्रुप में पाए जाते हैं। स्टार्स हमेशा एक नहीं होगा, उसके चारों तरफ कोई ग्रुप में होंगे, ग्रुप ऑफ स्टार्स में ही रहते हैं हमेशा, कोई इंडिविजुअल नहीं रहता, सब ग्रुप में रहते हैं, समझ गए आप लोग। और ये जो क्लस्टर्स रहते हैं जहां पे स्टार, उसे हम क्या कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं। क्या कहते हैं? गैलेक्सी कहते हैं। गैलेक्सी किसे कहते हैं? गैलेक्सी बेसिकली इज नथिंग, गैलेक्सी इज अ प्लेस वेयर स्टार्स और अ ग्रुप ऑफ स्टार्स लिव और रिफ्लेक्ट एयर लाइट्स। समझ गए आपको, गैलेक्सी उस स्थान को कहते हैं। तो अब आपको पता है द सन बिलोंग, जो कि जो हमारा सूरज है, सूर्य है, वो मिल्की वे गैलेक्सी से बिलोंग करता है, ठीक है। और इसको हम हिंदी में आकाश गंगा कहते हैं, क्योंकि मिल्की वे गैलेक्सी जो है वहां वो सन बिलोंग करता है। समझ गए आप लोग। तो अब हम जानेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। फॉलोइंग वी विल स्टडी अबाउट सोलर सिस्टम। आप लोगों ने सोलर सिस्टम के बारे में सुना होगा, तो अब हम जानेंगे कि एक्चुअल में सॉरी कि सोलर सिस्टम होता क्या है। तो बेसिकली सोलर सिस्टम, सोलर का मतलब क्या होता है? सोलर मींस सन, ठीक है, और सिस्टम मींस फैमिली, ठीक है। तो सोलर सिस्टम क्या होता है? सन की फैमिली। आप लोग जानते रहोगे कि भाई सूरज की भी फैमिली होती है। हाँ होती है, सन की भी फैमिली होती है। कहाँ होती है? स्पेस में होती है, ठीक है। दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सन एंड ऑल अदर प्लैनेट्स इंक्लूडिंग एस्टेरॉइड सैटेलाइट्स, ठीक है। जो ये सिस्टम है उसमें सन रहता है और बाकी अदर प्लैनेट्स जो 8 प्लैनेट्स हैं और बेसिकली और भी एस्टेरॉइड, वो सारे सिस्टम ये कंप्लीट बन के सोलर सिस्टम बनता है, ठीक है। कुछ भी मीटेरॉइड्स हो गए, प्लैनेट्स हो गए, ठीक है, या बेसिकली मीटेरॉइड्स हो गए, ठीक है, डस्ट हो गए, बेसिकली ये सब मिलके क्या करता है, सोलर सिस्टम को ये कॉन्स्टिट्यूट करता है, ठीक है। All the celestial bodies, जानते हैं आप लोग, समझो, that revolve around the sun, ठीक है? देखिए, जो celestial bodies हैं, उनकी ये duty है कि वो sun के revolve करते हैं। Sun जो होता है, वो center में रहता है, सारे planets क्या कहते हैं, revolve करते हैं, ठीक है? They do not have their own light. आपको पता है, planets के पास light नहीं होती है, ठीक है? Light कहाँ से उनको मिलती है? अब family है, तो खाना पीना कौन देगा भाई? फैमिली में कौन देता है आपको खाना पीना? आपके पेरेंट्स देते हैं। तो वैसे ही फैमिली में प्लैनेट्स को लाइट कौन देगा? सन देगा लाइट। तो सन जो होता है वो अपनी लाइट प्लैनेट्स को देते रहता है, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है, बेसिकली लाइट देगा तो फिर लाइट एक्सप्लिसिट होगी, फिर इम्प्लिसिट होके लाइट रिफ्लेक्ट करेगी बाकी सारे प्लैनेट्स के अंदर। समझ गए आप लोग। अब आप लोग सुनिए, जो ये सोलर सिस्टम है, ये सन जो होता है वो सबके इर्द गिर्द प्लैनेट सन सेंटर में रहता है, बाकी सारे प्लैनेट सब इर्द गिर्द रहते हैं। तो ये कैसे रहते हैं भाई? ये थोड़ी ना कि कोई भाई प्लैनेट उधर चला जा रहा है। ये कैसे प्लैनेट, ये कैसे इकट्ठा क्यों रहते हैं, ग्रुप पे क्यों रहते हैं? ऐसा ये हो सकता है कि ये प्लैनेट उधर चला है? नहीं, ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है। बेसिकली बहुत ही खतरनाक शब्द नहीं है, ग्रेविटेशन की वजह से, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से सन जो होता है वो कि ये अटैच करता है बाकी सारे प्लैनेट को, ताकि वो क्या कहते हैं, फिक्स्ड रह सके और रिजिड रह सके अपने पोजीशन पे और अलग ना हो सके, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में, बेसिकली वी विल स्टडी अबाउट द सन। सो बेसिकली आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द सन एंड प्लैनेट्स। सो फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट सन। हम लोग सूरज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग सूरज देखते ही होंगे, अब चलिए पढ़ भी लीजिए सूरज के बारे में, ठीक है। तो बेसिकली सन क्या है? इट इज अ हार्ट, दिल है सोलर सिस्टम का, एज आई हैव टोल्ड अर्लियर, बिकॉज इट इज अ फैमिली ऑफ सन, ओके। तो सन इज द हार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। आई हैव टोल्ड यू ऑल्सो दैट इट इज मेड अप ऑफ वेरी हॉट गैसेस, ठीक है, विच प्रोड्यूस लाइट एनर्जी। आपको पता है सन जो होता है वो लाइट एमिट करता है, तो बेसिकली सन जो होता है वो हॉट गैसेस से बना है, ठीक है। और ये अर्थ और सन की दूरी कितनी है? 150 मिलियन किलोमीटर दूर है अर्थ सन से, ठीक है। बेसिकली ये दूरी है दोनों के बीच में। और लाइट की मैं स्पीड बता चुका हूँ, जो सन की लाइट होती है वो अर्थ पे आती है कौन सी स्पीड से? 300,000 किलोमीटर पर सेकंड में, ठीक है। इतनी स्पीड होती है वो आती है, ठीक है, तभी वो उसके पहले वो 8 मिनट में ट्रेवल करती है अर्थ पे, तब उसकी लाइट आती है 8 मिनट में, ओके। तो सन के बारे में था, हॉट गैसेस से बनी रहती है, डिस्टेंस मैंने बता दिया, ठीक है, किलोमीटर पर सेकंड बता दिया, और इट इज ऑब्वियसली इट इज अ हार्ट ऑफ द सोलर। अब हम प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको पता है सन के बच्चे क्या है? बेसिकली हर फैमिली में बच्चे तो होते हैं, सन के जो किड्स हैं वो प्लैनेट्स हैं, ठीक है, बिकॉज इट इज फ्रॉम विदाउट सन देयर विल बी नो प्लैनेट्स,
एंड विद सन देयर विल बी नो प्लैनेट्स। ठीक है, समझ गए, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। तो अब हम पढ़ेंगे प्लैनेट्स के बारे में। यू नो प्लैनेट्स, जो प्लैनेट्स क्या कहते हैं, प्लैनेट्स जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से निकला है, प्लैनेटाई। ठीक है, प्लैनेट आई ग्रीक वर्ड से निकला, जिसका मतलब है वॉन्डरर। वॉन्डरर मतलब घुमक्कड़। ठीक है, घुमक्कड़ रहना, बेसिकली रोमिंग अराउंड अराउंड राउंड। ठीक है, तो प्लैनेट्स का मतलब वो होता है। आपको पता है हमारे प्लैनेट्स में टोटल 8 प्लैनेट्स हैं हमारे पूरे सोलर सिस्टम में, बेसिकली मरकरी, वीनस, अर्थ, नेपच्यून, जुपिटर, सैटर्न। ठीक है, बेसिकली और भी कई सारे प्लैनेट्स हैं टोटल 8। ठीक है, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, बट ये नहीं कि सब प्लैनेट्स एक जैसे हैं। ठीक है, अब जैसे जो लाइफ होती है वो केवल अर्थ पे एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अर्थ एक इकलौता प्लैनेट है जिस पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, बाकी सारे 7 प्लैनेट पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है। बिकॉज अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज एंड अकॉर्डिंग टू देयर साइज, लाइफ डजंट एग्जिस्ट इन अदर प्लैनेट्स। ठीक है, तो बेसिकली यू नो जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट। ठीक है, एंड सैटर्न इज द क्वीन ऑफ द प्लैनेट। ठीक है, सैटर्न जो होती है उसको रानी कहा गया है सोलर सिस्टम की। ठीक है, और जो जुपिटर है सबसे बड़ा प्लैनेट कहा गया है। तो सबसे छोटा प्लैनेट जो कहा गया है वो कहा गया है मरकरी को। ठीक है, और आप लोग सोच रहे होंगे कि प्लूटो भी तो भाई प्लैनेट है। हाँ, प्लूटो कहा गया, ऐसे तो 9 होने चाहिए प्लैनेट्स। नहीं, प्लूटो जो था वो अगस्त 2006 में उसको प्लैनेट नहीं माना गया था, उसको अदर सेलेस्टियल बॉडीज माना गया था। वो एक प्लैनेट नहीं है, वो एक ड्वार्फ प्लैनेट है, क्योंकि ड्वार्फ प्लैनेट कहाँ आता है, ड्वार्फ प्लैनेट कह रहे हैं, ड्वार्फ प्लैनेट है ताकि वो प्लैनेट से अलग हो सके। ठीक है, इट वॉज नॉट अ प्लैनेट, इट इज अ ड्वार्फ प्लैनेट। ठीक है, अब ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। ठीक है, मैंने क्या बताया था, जो सन से ये प्लैनेट्स जो होते हैं वो क्या कहते हैं, एक स्ट्रिंग से, एक डोर से चिपके, मतलब एक लाइन से चिपके रहते हैं सन से। सन सेंटर में रहता है, तो बाकी सारे प्लैनेट्स एक लाइन से चिपके रहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो प्लैनेट्स होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन के राउंड एंड राउंड घूमते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिवॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो अब बेसिकली ईच हर एक प्लैनेट का हर एक अलग अपना रास्ता है स्पेस में। ठीक है, विच इज कॉल्ड ऑर्बिट। ठीक है, ऑर्बिट क्या है, ऑर्बिट रास्ता है, और रेवोल्यूशन क्या है, प्रोसेस है। ऑर्बिट रास्ता है, हर प्लैनेट का अपना रास्ता होता है कि किधर से मैं सन के चक्कर लगाऊं, तो उसे हम ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, जो ऑर्बिट का शेप होता है वो सर्किल टाइप का होता है। ठीक है, इलॉन्गेटेड सर्किल टाइप का होता है, ऐसा शेप का होता है आपका ऑर्बिट। ठीक है, उसको हम बेसिकली एक्लिप्स भी कहते हैं, एक्लिप्स से भी नाम जाता है ऑर्बिट को, हम एक्लिप्स भी कहते हैं। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट आवर प्लैनेट एंड योर प्लैनेट द अर्थ के बारे में। हम लोग अपनी पृथ्वी के बारे में जानते हैं। ठीक है जी, तो अर्थ है वो सन से तीसरा प्लैनेट है, थर्ड प्लैनेट है, और जो पूरे सोलर सिस्टम में वो पांचवा लार्जेस्ट प्लैनेट है। ठीक है, इतना समझ गया आप लोग, जो सन के वो तीसरा, सन के करीब तीसरा प्लैनेट अर्थ है, और इसको फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट भी कहा जाता है। ठीक है, और इसका शेप क्या होता है, इस अर्थ का जो शेप होता है बेसिकली स्फेरिकल शेप का होता है, लेकिन हम इसको और अच्छी तरीके से जियोइड शेप होता है, GEOID, बेसिकली इट इज द शेप ऑफ द अर्थ। ठीक है, हमारा शेप किस पोर्शन, हमारा शेप कह रहे हैं अर्थ का शेप कैसे दिखता है। ठीक है, तो अब अगर हम अर्थ को स्पेस से देखते हैं तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कलर, ब्लू एंड ग्रीन। ठीक है, ब्लू क्यों रहता है, क्योंकि इट इज अ, बिकॉज वहां पे वाटर बहुत ज्यादा है, कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लू एंड ग्रीन इसलिए रहता है, ब्लू इसलिए रहता है क्योंकि वहां पे पानी बहुत ज्यादा है, और ग्रीन इसलिए क्योंकि वहां पे वेजिटेशन, बेसिकली फॉरेस्ट और लैंड, वहां पे ये दोनों लैंड और वाटर का कॉम्बिनेशन अर्थ को बनाता है। ठीक है, इसलिए स्पेस से दिखता है ब्लू और ग्रीन कलर में। ठीक है, जो हमारा जो अर्थ है वो बहुत ही यूनिक है। ठीक है, बाकी अदर प्लैनेट से यूनिक क्यों है, क्योंकि बेसिकली अर्थ एक ऐसा है, ओनली एंड ओनली ऐसा प्लैनेट है जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। अब आप लोग पूछोगे अर्थ क्यों ऐसा प्लैनेट है जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है, नेपच्यून में क्यों नहीं करती, मरकरी में क्यों नहीं करती, वीनस में क्यों नहीं करती, ऐसे बाकी सारे प्लैनेट्स में उनमें क्यों नहीं लाइफ एग्जिस्ट करती। तो बेसिकली देयर आर 4 रीजन व्हाई लाइफ एग्जिस्ट इन द अर्थ। ठीक है, वी विल डिस्कस ईच वन बाय वन। ठीक है, सो नंबर 1 इज डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ठीक है, अब जो इसकी दूरी है अर्थ की सन की वो है 150 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, 150 मिलियन किलोमीटर पृथ्वी जो वो सूरज से बहुत दूर है। ठीक, अब अगर मरकरी की बात करें वो तो बहुत पास है, नेपच्यून की बात करें वो तो और दूर है। ठीक है,
तो बेसिकली अर्थ इज अ न्यूट्रल वन, ठीक, ना कि वो ज्यादा पास है और ना कि वो ज्यादा दूर है, इट इज अ न्यूट्रल, दैट्स व्हाई लाइफ एग्जिस्ट, पहला पॉइंट हो गया डिस्टेंस फ्रॉम सन। दूसरा क्या कहता है, मॉडरेट टेम्परेचर। अब मॉडरेट टेम्परेचर क्या होता है भाई, मॉडरेट टेम्परेचर इज नथिंग, बेसिकली मॉडरेट मतलब ना कि ज्यादा ठंडी पड़ रही है और ना कि ज्यादा गर्मी पड़ रही है, ठीक है, ऐसा बेसिकली मॉडरेट टेम्परेचर वहां पाया जाता है। मॉडरेट से आप समझ जाइए कि बेसिकली दोनों टेम्परेचर पाए जाते हैं, हॉट सीजन भी हमारे यहाँ माना जाता है और विंटर सीजन भी माना जाता है। अगर आप नेपच्यून चले जाइए तो वहां पे कितनी ठंडी होगी, आप अकड़ के मर जाएंगे, मतलब जम जाएंगे आप, और मरकरी जा रही है तो आप 5 सेकंड में जल के राख हो जाएंगे, ठीक है। तो अर्थ में मॉडरेट टेम्परेचर एग्जिस्ट करता है, तो हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट कहता है सूटेबल एटमॉस्फेयर। यू नो अर्थ इज कवर्ड बाय अ ब्लैंकेट ऑफ एयर व्हिच इज इट इज कवर्ड बाय ब्लैंकेट, मतलब कुछ चद्दर उसमें है क्या वायु की, जिसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं, ठीक है। एटमॉस्फेयर को पता है आपको 5 लेयर होती है, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर में क्या पाई जाती है, और भी चीजें, गैसेस पाई जाती हैं, बेसिकली ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ताकि वो लाइफ को और इजी बनाती है अर्थ पे एग्जिस्ट करने के लिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट हो गया हमारा। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर का प्रेजेंस ऑब्वियसली वेयर इट इज लुकिंग आउटसाइड फ्रॉम आउटर स्पेस, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लू एंड ग्रीन रेड। तो ब्लू कलर से आप क्या समझते हैं कि अर्थ कंटेन्स 71% ऑफ वाटर, जो अर्थ में 71% ऑफ वाटर पाया जाता है, ठीक है, तभी वहां पे लाइफ एग्जिस्ट है, ठीक है। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सैटेलाइट्स एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द मून्स। अब हम पढ़ेंगे सैटेलाइट्स के बारे में और द मून के बारे में, ठीक है। तो सैटेलाइट्स क्या होती है, बेसिकली सैटेलाइट्स आर नथिंग बिकॉज दे आर इन, बेसिकली आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट ये सैटेलाइट स्पेस में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। और सैटेलाइट जो होती है वो स्मॉलर होती है बाकी सारे अदर प्लैनेट से, ठीक है, बिकॉज सो दे विल बी कॉल्ड अ स्मॉलर हेवनली बॉडीज, बहुत छोटी तरीके की हेवनली बॉडी, मतलब इतनी छोटी नहीं होती है, हाँ स्मॉलर होती है हेवनली बॉडीज की तरह, ठीक है। तो बेसिकली सैटेलाइट्स का खुद लाइट या हीट नहीं होती बेसिकली, ठीक है, सैटेलाइट्स पे ना कोई लाइट हीट कुछ नहीं होती, वो जो सारे जो लाइट हीट होती है वो डायरेक्टली वो लेते हैं सन के द्वारा, तो जो द सन होता है वो रिफ्लेक्ट करता है अपनी हीट और लाइट अदर सैटेलाइट्स पे, ठीक है। तो क्या कहते हैं, जो सैटेलाइट्स होती हैं वो बेसिकली 60 सैटेलाइट्स सोलर सिस्टम पे हैं, टोटल 60 सैटेलाइट्स हैं, और सॉरी टोटल 60 सैटेलाइट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में एक्सेप्ट मर्क्यूरी एंड वीनस, बाकी सारे अदर 6 प्लैनेट्स में सैटेलाइट्स हैं अपनी अपनी, लेकिन खाली मर्क्यूरी और वीनस में अपनी सैटेलाइट नहीं है, बाकी सारे अदर प्लैनेट्स में अपनी अपनी सैटेलाइट्स हैं, ठीक है। तो जैसे द मून है, अब आप ये जान के बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित होंगे क्योंकि द मून है वो सैटेलाइट है अर्थ की, हाँ मून इज नॉट अ प्लैनेट, इट इज अ सैटेलाइट। अब आप सोचते होंगे कि रात में चमकता क्यों है, वो इसलिए चमकता है क्योंकि जो सन होता है वो उसको अपनी लाइट देता है, फिर उसके कारण वो रात में शाइन करता है, ठीक है। तो सन द मून इज अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, ठीक है, जो सैटेलाइट होती है तो अर्थ के ये चक्कर लगाता है, ठीक है, बेसिकली क्या कहते हैं ये रिवॉल्व करता है अर्थ के, ठीक है। और बेसिकली ये सब तो क्या कहते हैं नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी होती है जो मैनमेड बनाते हैं, बेसिकली तुम्हारा आपका जो हो गया कार्टोसैट स्पुटनिक 1, ठीक है, बेसिकली और भी सारी अदर सैटेलाइट्स जो बाकी बनाते हैं, ठीक है, समझ गए आप लोग, एडुसैट हो गया बेसिकली और हो गया। तो आपको जान गए सैटेलाइट के बारे में, 60 सैटेलाइट्स होती हैं, स्मॉलर होते हैं, लाइट नहीं होती, मून के बारे में जान गए। अब हम पढ़ेंगे द मून के बारे में, ठीक है। मून आप जानते हैं, मैंने बता दिया ये सैटेलाइट है अर्थ की, ठीक है, इसका जो डिस्टेंस है अर्थ का वो 384,000 किलोमीटर है, 384,000 किलोमीटर है ये डिस्टेंस है अर्थ का और मून का, ठीक है। जो मून होता है वो अर्थ पे चक्कर लगाता है, ये चक्कर कितने दिन में लगाता है, 27 डेज और 7 घंटे, ठीक है, ये 27 डेज और 7 घंटे तक ये घूमता ही जाता है अर्थ के, ठीक है। तो उसके कारण हम देखते हैं सी ओनली वन साइड ऑफ द मून, फिर उसके कारण हम खाली एक साइड मून का ही देखते हैं हर दिन, आपने कभी गौर करा होगा वो जब चक्कर लगाते तो वो हर दिन अलग अलग साइड से पेश होता है, अलग अलग शेप का पेश मून दिखता है, कभी आज ये दिखा कल ये दिखा, ठीक है। तो उसके अलग अलग फेजेस होते हैं और हम वो भी डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। तो
अब जो जो मून होता है उसके पास खुद तो लाइट होती नहीं है, तो सन जो होता है वो लाइट उसको देता है, ठीक है। मून जो होता है, मून के ऊपर कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है, ठीक है। बेसिकली अर्थ का तो एटमॉस्फेयर है, मून का कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है। अगर आप मून पे जाएंगे तो ऊपर खाली आपको स्पेस दिखेगा, केवल काला काला स्पेस दिखेगा, ठीक है। तो जो मून पे होता है वो लाइट क्या होती है, वो उसको सन देता है, ठीक है। तो उसके कारण उसका डे का टेम्परेचर कितना हो जाता है, 127 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, और नाइट का टेम्परेचर उसका हो जाता है -173 डिग्री सेल्सियस। मतलब वो गर्मी सुबह तो और ज्यादा गर्म होता है और रात में बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है, ठीक है। अब जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये जो मून का जो और पढ़ेंगे तो मून के बारे में सर्फेस में बहुत सारे रॉक्स और डस्ट और माउंट अलग अलग स्लोपी एरियाज रहते हैं। जैसे कि आप अगर जाएंगे तो गड्ढे ही गड्ढे वहां मिलेंगे मून में आपको, बेसिकली, ठीक है। आपको पता ही होगा पहला कौन था जो मून में कदम रखने वाला, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, उन्होंने 20 जुलाई 1969 में मून पे पहला कदम रखा, और उनके साथ थे एडविन आल्ट्रिन थे। दोनों लोग मिलके मून, क्या कहते हैं, ये दोनों यूएस के थे, यूएस ने भेजा था मून पे। दोनों पहले क्या कहते थे, पहले पर्सन थे जो मून पे कदम रखने वाले थे, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे बेसिकली फेजेस ऑफ द मून, ठीक है। तो फेजेस फेजेस हम पढ़ेंगे, तो बेसिकली बहुत तरीके के फेजेस होते हैं मून के, ठीक है। अब अगर मून जो हो है आपका, बेसिकली अगर वो अर्थ और सन के बीच में आ जाए मून, ठीक है, अर्थ और सन के बीच में आ जाए मून, तो देयर विल बी अमावस्या, मून दिखेगा ही नहीं आपको अर्थ में, ठीक है। इफ द मून कम्स बिटवीन अर्थ एंड द सन, तो वो अमावस्या कहलाती है। इसके लिए अमावस्या इज विदाउट नो मून, ठीक है, न्यू मून। अमावस्या में क्या होता है, आपको मून नहीं दिखता, ठीक है, चांद नहीं दिखता, इसको हम कहते हैं न्यू मून, ठीक है। नया नया मून है, नया एकदम प्यारा सा क्यूट सा, वैसे के लिए नया मून है, ठीक है। अब वीक लेटर, उसके फिर एक हफ्ते बाद ये जो मून होता है वो हल्का कट हो जाता है बेसिकली, ठीक है। ये पूरा मून होता है, ये आधा ऐसे कट हो जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं इस फिगर में, इसमें तरीके के फेजेस ऑफ द मून बने हैं, ठीक है। बेसिकली ये न्यू मून है जो बिल्कुल हल्का डिमिनिश है, फिर इधर हुआ एक वीक लेटर के बाद ये पूरा और डिमिनिश हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद ये आगे जाके पूरा बनता है फुल मून, ठीक है। फुल मून बनता है तो हम इसको क्या कहते हैं, पूर्णिमा कहते हैं, पूर्णिमा और फुल मून, ठीक है, समझ गए आप लोग। फिर उसके बाद ये साइकिल ऐसे चलती जाती है, फिर ये थोड़ा कम होता है, फिर ये पूरा न्यू मून में हो जाता है, फिर न्यू मून वापस फुल मून में हो जाता है, फिर फुल मून, ऐसे पूरा सर्किल चलता रहता है और ये फेजेस चलते रहते हैं। तो अब हम अपने आखिरी टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और अब हम जानेंगे अदर सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में। वी कम टू द लास्ट टॉपिक, टॉक्स अबाउट अदर सेलेस्टियल बॉडीज, ठीक है। हमने देखा था सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स और सन के अलावा और सैटेलाइट के अलावा और भी अलग सेलेस्टियल बॉडीज हैं, बेसिकली एस्टेरॉइड्स हो गए, मीटेरॉइड्स हो गए, जो भी एग्जिस्ट करते हैं। तो अब हम भी वो भी डिस्कस करेंगे आपके सामने, फिर चैप्टर को खत्म करते हैं। तो पहला सेलेस्टियल बॉडी ड्वार्फ प्लैनेट्स। अब ड्वार्फ प्लैनेट्स से आप क्या समझते हैं, एक्सेप्ट अदर एट प्लैनेट्स हैं, उसके अलावा कुछ और भी प्लैनेट्स होते हैं, बेसिकली ड्वार्फ प्लैनेट्स जिसे हम कहते हैं, छोटे तरीके के, ड्वार्फ मतलब स्मॉल, दिस इंक्लूड प्लूटो, सेरस, एरिस, मेकमेक, ओमुआ। ये सारे तरीके के ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं जो कि सोलर सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। दूसरा आता है एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज है जो कि दैट रिवॉल्व अराउंड द सन, ठीक है, और वो सन के रिवॉल्व करती हैं बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर, ठीक है, जो कि जो रिवॉल्व करती है सन के द्वारा बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर, तो उनको हम एस्टेरॉइड्स कहते हैं। एस्टेरॉइड्स से टेंडेंसी होती है, वो छोटे भी रहते हैं, बड़े भी रहते हैं, छोटे लेके बड़े, मतलब सबसे बड़ा जो एस्टेरॉइड है वो सेरेस से 690 किलोमीटर डायमीटर, बहुत बड़ा एस्टेरॉइड है वो, ठीक है। मीटेरॉइड्स क्या कहते हैं, मीटेरॉइड्स छोटे से होते हैं, बच्चे की तरह छोटे से छोटे होते हैं, स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक एंड डस्ट, ठीक है, विच रिवॉल्व, ये भी रिवॉल्व होते हैं अराउंड द सन, विच कॉल्ड मीटेरॉइड्स, ठीक है। सम ऑफ देम, बेसिकली सम ऑफ देम कम क्लोज टू द अर्थ, ठीक है, एंड बल्क लाइटली, सम ऑफ देम फ्लैश, कुछ फ्लैश करते हैं और सम ऑफ देम आते हैं अर्थ पे, और ऐसे दैट्स व्हाई वी कॉल देम अ शूटिंग स्टार्स। तो हम मीटेरॉइड्स को शूटिंग स्टार्स भी कहते हैं। अब कॉमेट्स क्या होते हैं, कॉमेट्स और मीटेरॉइड्स में क्या फर्क होता है, कॉमेट्स जो होते हैं वो बेसिकली उनकी जो टेल होती है, पूंछ, वो थोड़ी और लंबी रहती है, ठीक है, जो उनकी पूंछ रहती है वो और लंबी रहती है, इसलिए हम कॉमेट्स को टेल्ड बॉडी भी कहते हैं, ठीक है। कॉमेट्स बेसिकली बहुत तरीके होते हैं, कॉमेट्स जो सबसे मेन कॉमेट्स, सबसे इंपॉर्टेंट कॉमेट हमारी यूनिवर्स का, वो हेली कॉमेट है, वो 75 ईयर्स के बाद हमें दिखता है स्पेस पे, ठीक है, समझ गए आप लोग। तो आउटर स्पेस क्या है, बेसिकली आउटर स्पेस बेसिकली गैलेक्सी, मिल्की वे और आकाशगंगा, वी हैव डिस्कस अर्ली। सो ये चैप्टर आर अर्थ इन द आउटर स्पेस सोलर सिस्टम हमने आज कंप्लीट करा। हम लोग ने आज जाना
कि व्हाट इज अर्थ, अर्थ क्या होता है, अर्थ क्या होता है, सोलर सिस्टम क्या होता है, क्या नीड है, सन मून अदर प्लैनेट सैटेलाइट्स, ठीक है, अदर ड्वार्फ प्लैनेट्स के बारे में हमने आज पढ़ा। अगर इसके पास भी अगर कोई डाउट है तो आप ये बुक क्लास, ये टॉपिक मैंने क्लास सिक्स की बुक से उठाया है ज्योग्राफी का, जो कि पहला चैप्टर है, आप जाके घर में इसको पढ़िए, आर अर्थ इन द सोलर सिस्टम, इसको स्टडी करिए। अगर उसके बाद भी अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट पे डालना ना भूलिएगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस।